आप लोगों को क्या लगता है पप्पू यादव अच्छे इंसान है या गलत इंसान? नहीं भाई, अच्छा आदमी है। कैसे? बहुत बढ़िया इंसान। कैसे है बढ़िया इंसान? बहुत बढ़िया। गरीब लोगों को बेहद बेचारा देखते हैं, खाना उना खिलाते हैं, जहाँ तक जो होता मदद करते हैं। अच्छा है, उनको तो दम्बाग में जैसे छोड़ देना चाहिए, बेल कर देना चाहिए। अच्छा इंसान है सर। उसको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। गरीबी का मसीहा सरकार के नजर में तो बुरा इंसान है, तभी तो अंदर। यहाँ तो हमको लग रहा है सरकार ही बुरा इंसान है। ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर गेट पर हम पहुंचे हैं और आज पप्पू यादव का बेल रिजेक्ट हो गया, तो हमने सोचा कि इसी हॉस्पिटल में पप्पू यादव भर्ती हैं तो आम लोगों से बात कर लिया जाए। आज बेल मिलने वाला था मगर कैंसिल हो गया, क्या कहना है? और क्या कहें, बेल हो जाएगा और अच्छी बात है। अच्छा, उनको बेल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। अच्छा है, अच्छा इंसान है। आप लोगों को क्या लगता है पप्पू यादव अच्छे इंसान है या गलत इंसान? नहीं भाई, अच्छा आदमी है। कैसे? कहीं से गरीब के जो कितना माफिया किया है, गरीब आदमी के खाना बांटा है, हम हर चीज़ देखता है ना। गरीब आदमी को खाना बांटा है तो उनको छोड़ना चाहिए कि अंदर रखना चाहिए? नहीं, छोड़ जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्या चाचा बोले, पप्पू यादव अच्छा इंसान है? खराब? बहुत बढ़िया इंसान। कैसे है बढ़िया इंसान? बहुत बढ़िया। गरीब लोगों को बेहद बेचारा देखते हैं, खाना उना खिलाते हैं, जहाँ तक जो होता मदद करते हैं। अच्छा है, उनको तो दम्बाग में जैसे छोड़ देना चाहिए, बेल कर देना चाहिए। बेल कर देना चाहिए तो एकदम बेल कर देना चाहिए। तो सरकार का ही नहीं छोड़ रहा, क्या लगता है? सरकार अब काहे नहीं छोड़ रहा है, क्या नीति है सरकार का, सो हम क्या जानेंगे। तो उनको तो बोलता है कि 32 साल पुराना मामला में अंदर ढके ले हुए। 32 साल पहले का पुराना मामला, इतने आदमी तो गया है जेल, तो काहे छोड़ दिया, आज इनको काहे बंद कर गया। बोलता पप्पू यादव बदमाश आदमी? नहीं नहीं, बदमाश नहीं है बेचारा, बहुत सीधा। बोलता बहुत लूटा है सब? नहीं, किसी को लूटा नहीं, गलत बात है सब। गलत बात है, सब गलत बात। अच्छा इंसान है पप्पू? बहुत बढ़िया इंसान है बेचारा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहल्ला के लिए, समाज के लिए भलाई करते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं पप्पू जी? हाँ हाँ, तो उनको जो है सर रिहा कर देना चाहिए ना। रिहा कर देना चाहिए तब? पप्पू यादव अच्छा इंसान है या बताइए, कैसे इंसान है पप्पू यादव? अच्छा इंसान है। डर कह रहे हैं? हाँ अच्छा इंसान है। कैसे अच्छा इंसान है? सब गरीब लोग के खाना उना बांटा है। आपको कैसे पता? खिलाया है, खाना उना देखे है। पप्पू यादव अच्छा इंसान है या खराब? अच्छा इंसान है सर। उसको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए पप्पू? छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ सर। का है पप्पू यादव को छोड़ देना चाहिए, इन लोगों का कहना है। अच्छा ये बताइए भैया, पप्पू यादव कैसा इंसान है? ठीक है भाई, ठीक है। गरीबी का मसीहा। गरीब का मसीहा कैसे? इसका अच्छाई है, जैसे हम लोग इंसान है, सबका बिल होना जरूरी है, ऐसा थोड़ी है कि कितना भी कह दी। सरकार के नजर में तो बुरा इंसान है, तभी तो अंदर। यहाँ तो हमको लग रहा है सरकार ही बुरा इंसान, इंसान अच्छा, को नहीं पहचान पाता सर। इंसान को नहीं पहचान, गरीब को तो शाही लुटा का मार दे रहा। अच्छा, इंसानियत जो है भगवान दिया है, सब मार दिया सरकार, गरीब आदमी को मार दिया, पापे मार दिया गरीब आदमी। पप्पू यादव मदद कर रहा था? हाँ चलिए, तो पप्पू यादव जी का नाम सुने हैं? चलिए, यहाँ पर जो लोग रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, हमने उनसे जानने की कोशिश की पप्पू यादव अच्छा इंसान है या कैसा इंसान है। ये एक राय थी, इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा इंसान है। मैंने बोला कि कैसे अच्छा इंसान है, तो अंदर का है, छूटे का है नहीं। सबने कहा छोड़ देना चाहिए, सरकारी शायद गलत उनको समझ नहीं पा रही है। अब देखने वाली बात है कि उनको कब बेल मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा। मगर एक तो है कि आम आदमियों के लिए पप्पू यादव एक मसीहा है। उस जगह से हमने ये पब्लिक ओपिनियन की जहाँ पे पप्पू यादव का इलाज चल रहा। आप जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।